हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा नौवीं क्षितिज का गद्य खंड का पाठ आठ, जो आखिरी पाठ है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आइए सबसे पहले द्विवेदी जी के बारे में जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 यानी कि 79 में उनका देहांत हो गया। द्विवेदी जी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही प्रख्यात है। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। द्विवेदी जी के अशोक के फूल, कुटुज, कल्पलता, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका तथा कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। बच्चों, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित भी किया गया। तो आइए जानते हैं द्विवेदी जी ने इस अध्याय में किस आधारित पर लिखा है और इस पाठ का सार क्या है। बच्चों, जैसे नाम से ही पता चलता है, एक कुत्ता और एक मैना। निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति उन्होंने मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद, करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी किया है। उन्हें पशुओं के प्रति बहुत ही लगाव था, प्रेम था। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा हमें देता है। तो द्विवेदी जी ने इस पाठ में जो गुरुदेव की जो पशु पक्षियों के प्रति एक करुणा थी, दया थी, प्रेम था, मानवीय प्रेम प्रदर्शित हैं, वो बहुत ही सहजता से और उनके साथ जो लगाव है, विनम्रता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पशुओं के प्रति लगाव था। तो इस अध्याय में गुरुदेव जी ने सिर्फ उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि जो मूक प्राणी हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, हम ही उनसे प्रेम करते हैं, बल्कि बदले की भावना से वे भी हमसे लगाव रखते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। वो सब कुछ वो समझते हैं, ना बोल सकने के बावजूद भी पशुओं में एक मनुष्य के प्रति वो लगाव हैं जो एक मनुष्य को किसी पशु पक्षी के प्रति लगाव होता है। तो बच्चों, इस अध्याय में गुरुदेव जी ने इसी पर आधारित हमें इस पाठ में सीख दी है कि इस पाठ में ऐसे अवसर की चर्चा की है जिससे गुरुदेव के पशु प्रेम की झलक मिलती है तथा पशुओं के प्रति जो हम उनसे लगाव रखते हैं तो बदले में पशु भी हमारे प्रति वैसे ही वफादार होते हैं जिस तरह से अगर हम किसी के साथ प्रेम से
दया से करुणा से पेश आते हैं तो पशु भी हमारे प्रति बहुत ही दयावान होते हैं। ऐसे इस पाठ पर जब आप इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे तो एक पक्षी मैना और एक कुत्ता इस पाठ में आपको पढ़ने में आएंगे जो गुरुदेव के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें बस इतना ही कहा गया है कि जो पशु के प्रति गुरुदेव की जो एक करुणा थी, दया था, प्रेम था, लगाव था, वो बहुत ही उल्लेखनीय था। तो कुछ इसके क्वेश्चंस हैं। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया था? तो ये है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और एक आशय स्पष्ट कीजिएगा कि इस प्रकार कवि की मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी को करुण दृष्टि के भीतर इस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। तो एक पांच क्वेश्चन है, यदि आपको इसमें किसी भी इस पाठ को पढ़कर अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, और अगर आपको कोई इसमें परेशानी आती है तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से मुझसे पूछ सकते हैं। और ये गद्य खंड का हमारा आखिरी अध्याय था, उसके बाद हम पद्य खंड की ओर जाएंगे, यानी कि काव्य खंड जो कि कविता से रिलेटेड होती है। तो आगे हम इसके बारे में अध्याय शुरू करेंगे, और इसके जितने भी मैंने पाठ करा रखे हैं सारे क्वेश्चन आंसर क्लियर कर दीजिएगा और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चेक कीजिएगा। थैंक यू।